ऋतिक रोशन, बॉलीवुड का वो सूरज जिसकी चमक के आगे दुनिया के बड़े बड़े सितारे भी ओझल हो जाते हैं। आप ऋतिक से एक्टिंग करा लीजिए या डांस करा लीजिए, ऋतिक ये दोनों ही काम बखूबी अंजाम देते हैं। ऊपर वाले ने ऋतिक रोशन को कुछ ऐसी शख्सियत बख्शी है कि जो भी इन्हें एक दफा देख लेता है उसकी नजरें इनके ऊपर से हटती नहीं हैं। पहली फिल्म कहो ना प्यार है के बाद जब ऋतिक की बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये लड़का वन हिट वंडर है, मगर ऋतिक ने जबरदस्त कमबैक किया और अपने क्रिटिक्स की बोलती बंद कर दी। और फिर मैंने तुम्हारे बब्बू की बाई आंख में गोली मारी। ऋतिक रोशन के चाहने वाले दुनिया भर में आपको मिल जाएंगे, तो आज ऋतिक रोशन के उन्हीं फैंस के लिए पेश हैं उनकी कुछ अनसुनी और बड़ी ही दिलचस्प कहानियां। और हमें पूरा यकीन है कि आपको भी ऋतिक रोशन की ये कहानियां बहुत पसंद आएंगी। कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर। ऋतिक ने पहली दफा कैमरा फेस किया था साल 1980 में आई फिल्म आशा में। इस फिल्म में जितेंद्र और रीना रॉय मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में एक गीत है जिसके बोल हैं, जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। इस गीत में एक छोटा सा बच्चा भी ठुमकता हुआ दिखाई देता है, ये बच्चा कोई और नहीं अपने प्यारे डुग्गू यानी ऋतिक रोशन है। और चूंकि ये फिल्म ऋतिक के नाना जे ओम प्रकाश जी ने बनाई थी तो उन्होंने ही ऋतिक को इस गाने में डांस करने के लिए लिया था। जे ओम प्रकाश जी ने ऋतिक को इस गाने में ठुमकने के बदले 100 रुपए मेहनताना दिया था। और जानते हैं ऋतिक ने उन 100 रुपए का क्या किया था? ऋतिक ने 100 रुपए की ढेर सारी हॉट व्हील्स कारें खरीदी थी। उस जमाने में ये कारें छोटे बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना हुआ करती थी। ऋतिक रोशन का रियल सरनेम नागरथ है। जी हाँ, ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन और उनके चाचा राजेश रोशन अपने पिता रोशन साहब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। रोशन साहब का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। रोशन लाल नागरथ जी का जन्म अविभाजित भारत के गुजरांवाला में हुआ था। रोशन लाल नागरथ जी अपने जमाने के नामी संगीतकार थे। साल 1939 में आई डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्म नेकी और बदी में पहली दफा रोशन साहब ने म्यूजिक दिया था। ऋतिक की स्कूलिंग मुंबई के फेमस बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई है। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से ही आमिर खान, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, इमरान खान, लकी अली और उदय चोपड़ा ने भी पढ़ाई की थी। उदय चोपड़ा तो ऋतिक के क्लासमेट थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ऋतिक और उदय चोपड़ा की दोस्ती के चर्चे किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में खूब हुआ करते थे। ऋतिक के फेवरेट हॉलीडे स्पॉट्स की बात करें तो उन्हें लंदन और थाईलैंड के फुकेत में छुट्टियां बिताना बहुत पसंद है। इसके अलावा जापान भी ऋतिक के पसंदीदा देशों में से एक है। स्टार बनने के बाद भी ऋतिक को जापान जाने का मौका काफी वक्त तक नहीं मिल सका था। फिलहाल कहा जाता है कि जापान घूमने का अपना सपना ऋतिक कब का पूरा कर चुके हैं। और आज तो आलम यह है कि जापान में ऋतिक रोशन की तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। ऋतिक कटरीना स्टारर बैंग बैंग को जापान में बहुत पसंद किया गया था। ऋतिक के बारे में अब जो बात हम आपको बता रहे हैं उस पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन के बीच भी बढ़िया दोस्ती है। तो फरहान जब दिल चाहता है बना रहे थे तब उन्होंने सिड वाला रोल सबसे पहले ऋतिक को ही ऑफर किया था। जी हाँ, वही रोल जिसे दिल चाहता है में अक्षय खन्ना ने प्ले किया था। इतना ही नहीं, फरहान ने तो ऋतिक को डॉन फिल्म में काम करने का ऑफर भी दिया था जो अल्टीमेटली शाहरुख के पास चली गई। हालांकि ऋतिक ने डॉन 2 में फरहान की स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक कैमियो जरूर किया था। वैसे
कहा तो ये भी जाता है कि आशुतोष गोवारिकर भी स्वदेश में पहले ऋतिक रोशन को ही लेना चाहते थे, जबकि डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी ऋतिक को रंग दे बसंती फिल्म में सिद्धार्थ वाले रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे। हालांकि ये क्लियर नहीं हो सका कि ऋतिक ने क्यों इन सभी फिल्मों में काम नहीं किया। ऋतिक के करियर की बेस्ट मूवीज में से एक है क्रिस सीरीज। क्रिस सीरीज के फिल्मों में ऋतिक ने जबरदस्त एक्शन किया है और क्रिस में अपने एक्शन को परफेक्ट बनाने के लिए ऋतिक ने कई महीनों तक हांगकांग में जाने माने एक्शन डायरेक्टर टोनी चिंग से ट्रेनिंग ली थी। टोनी चिंग ने शाओलिन सोसर और हाउस ऑफ द फ्लाइंग डैगर्स जैसी फिल्मों का एक्शन कोरियोग्राफ किया था। ऋतिक को स्विस घड़ियां पहनने का बड़ा शौक है और खास तौर पर स्वाच कंपनी की घड़ियां ऋतिक बहुत पसंद करते हैं। ऋतिक को उनकी पहली स्विस घड़ी सुजैन खान ने गिफ्ट की थी। ये तब की बात है जब ऋतिक और सुजैन की शादी भी नहीं हुई थी और सुजैन खान ऋतिक की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। सुजैन ने ऋतिक को जो घड़ी दी थी वो स्वाच कंपनी की ही घड़ी थी। ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। ऋतिक के लुक्स और उनकी फिटनेस उन्हें और ज्यादा किलर बनाते हैं, लेकिन एक वक्त था जब जबरदस्त एक्सरसाइज करने वाले ऋतिक भी स्मोकिंग की लत से परेशान थे। उन्होंने सिगरेट छोड़ने की बहुत कोशिश की थी लेकिन सिगरेट की लत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फाइनली ऋतिक ने ब्रिटिश लेखक एलन कार की लिखी इजी वे टू क्विट स्मोकिंग पढ़ी और उस किताब ने ऋतिक पर कुछ ऐसा जादू किया कि अब ऋतिक सिगरेट छूते भी नहीं है। म्यूजिक ऋतिक रोशन के खून में है। ऋतिक के दादा रोशन लाल नागरथ फिल्म इंडस्ट्री के रेस्पेक्टेड म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। ऋतिक के चाचा राजेश रोशन ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया और ऋतिक को भी संगीत की बढ़िया नॉलेज है। ऋतिक बढ़िया गाते भी हैं और अब तक ऋतिक 4 दफा फिल्मों में गा चुके हैं। 2010 में आई काइट्स में ऋतिक ने काइट्स इन द स्काई सॉन्ग गाया था। फिर इसी साल यानी 2010 में ही आई गुजारिश में ऋतिक ने व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड सॉन्ग गाया था। 2011 में आई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक ने सेनोरिटा सॉन्ग में अपने वोकल्स दिए थे। 2019 में आई सुपर 30 में ऋतिक ने क्वेश्चन मार्क सॉन्ग में अपनी आवाज दी थी और 2022 में तो ऋतिक ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वंदे मातरम नाम से एक सोलो ट्रैक इंस्टाग्राम पर रिलीज किया था। ऋतिक की पर्सनैलिटी उनके चार्म को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। ऋतिक अपने अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखते हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पर क्या पहनना है ऋतिक इस पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए ऋतिक का ड्रेसिंग सेंस बेहद कमाल है। ऋतिक ने अपने फैंस को भी यूनिक ड्रेसिंग सेंस देने के लिए अपना खुद का एक क्लोदिंग ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम है HRX। ऋतिक ने मुंबई के सिडनहम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। ऋतिक ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहिए। ऋतिक की मदर पिंकी रोशन तो चाहती थी कि ऋतिक अमेरिका से मैनेजमेंट का कोई कोर्स करें, लेकिन इस वक्त तक ऋतिक फैसला कर चुके थे कि उन्हें तो एक्टर ही बनना है और इस तरह ऋतिक का अमेरिका पढ़ने जाना कैंसिल हो गया। ऋतिक को प्यार से लोग डुग्गू बुलाते हैं और ऋतिक को ये नाम उनकी दादी ईरा रोशन जी ने दिया था। दरअसल ईरा रोशन जी चाहती थी कि वो अपने पोते का प्यार का नाम अपने बेटे गुड्डू यानी राकेश रोशन से मिलता जुलता ही कुछ रखें। जी हाँ, ऋतिक के पापा राकेश रोशन का घर का नाम गुड्डू है। ऋतिक की दादी ईरा रोशन जी को डुग्गू नाम बढ़िया लगा और उन्होंने ऋतिक को डुग्गू कहना शुरू कर दिया। ऋतिक भी अपनी दादी ईरा रोशन जी को प्यार से दीदा कहकर पुकारते थे। ऋतिक के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है जोधा अकबर। जोधा अकबर में अकबर के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने से पहले ऋतिक ने काफी तैयारियां की थी। फिल्म शूट होने के बाद जब इसकी डबिंग की जा रही थी तो आशुतोष गोवारिकर के असिस्टेंट करण मल्होत्रा ने ऋतिक को डबिंग से पहले कुछ सजेशंस दिए थे।
लेकिन ऋतिक को वो सजेशंस इतने फिजूल लगे कि उन्होंने बड़े अक्खड़ ढंग से करण मल्होत्रा के उन सभी सजेशंस को ठुकरा दिया। मगर जब ऋतिक ने फाइनल रिकॉर्डिंग खुद सुनी तो उन्हें भी वो पसंद नहीं आई। फाइनली ऋतिक ने करण मल्होत्रा के सजेशंस के मुताबिक डबिंग की और तब रिजल्ट शानदार आया। ऋतिक तभी से करण मल्होत्रा के टैलेंट के कद्रदान बन गए। फिर जब करण जौहर को ऋतिक ने बताया कि अग्निपथ के रीमेक में मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूं और इसका डायरेक्शन करण मल्होत्रा करेंगे, तो ऋतिक फौरन इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। सिल्वर स्क्रीन पर ऋतिक रोशन के साथ ऐश्वर्या की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा। इन दोनों ने धूम 2, जोधा अकबर और गुजारिश में साथ काम किया था। गुजारिश को छोड़ दें तो धूम 2 और जोधा अकबर में ऋतिक और ऐश्वर्या की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या के किस सीन्स को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन अभी तक ऋतिक ने जिस एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा काम किया है वो है करीना कपूर। करीना के साथ ऋतिक यादें, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और कभी खुशी कभी गम में काम कर चुके हैं, और इनमें सिर्फ कभी खुशी कभी गम ही हिट हुई थी। यूं तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब आमिर खान को दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो ऋतिक भी अपने हर कैरेक्टर पर पूरे परफेक्शन के साथ मेहनत करते हैं। फिर चाहे वो धूम 2 के लिए रोलर ब्लेडिंग की ट्रेनिंग लेना हो, जोधा अकबर के लिए तलवारबाजी सीखना रहा हो, या फिर गुजारिश में अपने रोल को रियलिस्टिक बनाने के लिए पैराप्लेजिक पेशेंट्स के साथ काफी वक्त गुजारना हो, ऋतिक भी अपने हर कैरेक्टर पर जमकर हार्डवर्क करते हैं। ऋतिक रोशन ने एक्टिंग से पहले अपने पापा राकेश रोशन के साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। राकेश रोशन की खुदगर्ज, किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला में ऋतिक रोशन असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, और ऋतिक का मानना है कि उनके पापा की फिल्म किंग अंकल को कभी भी उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना ये फिल्म डिजर्व करती है। ऋतिक ने कहो ना प्यार है से डेब्यू किया था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ऋतिक ने फिजा और मिशन कश्मीर कहो ना प्यार है से भी पहले साइन कर ली थी। और ये भी इत्तेफाक है कि फिजा और मिशन कश्मीर दोनों में ही ऋतिक का कैरेक्टर लगभग एक जैसा ही है, एक ऐसा नौजवान लड़का जिसे कुछ लोग बहकाकर आतंकवादी बना देते हैं। ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार है जब रिलीज हुई थी तो एक पल का जीना सॉन्ग में ऋतिक का डांस लोगों को बड़ा पसंद आया था। उस वक्त देश भर के युवा इस सॉन्ग में ऋतिक के किए गए स्टेप्स के दीवाने हो गए थे। वैसे जानने लायक बात यह है कि कहो ना प्यार है फिल्म में ऋतिक ने सबसे पहले जो सॉन्ग शूट किया था वो था प्यार की कश्ती में। इस गाने को फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था और एक पल का जीना को भी फराह खान ने ही कोरियोग्राफ किया था। यूं तो शूटिंग के वक्त ऋतिक का बॉडी डबल हमेशा सेट पर मौजूद रहता है, लेकिन ऋतिक रोशन अपनी फिल्मों में अपने स्टंट्स अधिकतर खुद ही परफॉर्म करना पसंद करते हैं। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा फिल्म में सांड के सामने भागना, स्काई डाइविंग करना और अंडर वाटर डाइविंग करना, ये सभी शॉट्स ऋतिक ने खुद ही शूट किए थे। वैसे ऋतिक खुद भी एक सर्टिफाइड डाइवर हैं। कभी खुशी कभी गम फिल्म में ऋतिक ने कॉलेज सीन्स में जो स्लिम फिट स्वेटर पहना था वो एक वक्त पर फैशन ट्रेंड बन गया था। इन सीन्स में ऋतिक जो स्लिम फिट स्वेटर पहने नजर आते हैं वो सभी स्लीवलेस हैं। ऋतिक ने खुद ही इन स्वेटर्स की स्लीव्स काटी थी, और जब ये स्लीवलेस स्लिम फिट स्वेटर्स उस वक्त ट्रेंड बन गए तो ऋतिक ने अपने वार्डरोब में मौजूद कई शर्ट्स और टी शर्ट्स की स्लीव्स को कैंची से काट कर अलग कर दिया था। ऋतिक बॉलीवुड के वो पांचवे स्टार हैं जिनका वैक्स स्टैच्यू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया था। ऋतिक से पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और सलमान खान के स्टैच्यूज को मैडम तुसाद म्यूजियम में जगह दी गई थी। कहो ना प्यार है की रिलीज के बाद ऋतिक इंडिया के नए डांसिंग सुपरस्टार बन गए थे। वो लोग जो डांस करना और देखना पसंद करते हैं वो ऋतिक की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ऋतिक की लगभग हर फिल्म में कोई ना कोई डांस नंबर तो होता ही है।
वैसे बात अगर ऋतिक के फेवरेट डांसर्स की हो तो ऋतिक को शम्मी कपूर की डांसिंग स्टाइल बहुत पसंद आती है। उनके बाद ऋतिक को माइकल जैक्सन का डांस भी बहुत अच्छा लगता है। फिल्म सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने नोटेबल मैथमेटिक्स टीचर और एजुकेटर आनंद कुमार का कैरेक्टर प्ले किया था और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ऋतिक को खुद भी मैथ्स बहुत पसंद है। स्कूल के दिनों से ही मैथ्स ऋतिक का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। कहा जाता है कि एक्टर बनने के बाद भी ऋतिक को जब टाइम मिलता था तो वो मैथ्स के सवाल सोल्व करते थे। ऋतिक की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना चाहिए। ऋतिक के पापा को कभी नहीं लगता था कि ऋतिक एक्टर भी बन सकते हैं। खुद ऋतिक भी अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते थे। एक टाइम तो ऐसा भी था जब ऋतिक ने अपने दोस्त उदय चोपड़ा के साथ अमेरिका जाकर स्पेशल इफेक्ट्स का कोर्स करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उसी वक्त ऋतिक के पापा राकेश रोशन ने ऋतिक से कहा कि तुम पॉलिटेक्निक कर लो, इससे तुम फ्रिज और एसी रिपेयर करना सीख जाओगे। अगर जिंदगी में कुछ ना कर सके तो ये काम तो कर ही लोगे। ऋतिक भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए लगभग तैयार ही हो गए थे, पर चूंकि ऋतिक की किस्मत में तो एक्टर बनना लिखा था तो उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लेने का ख्याल छोड़ दिया था। ऋतिक रोशन ने सुजैन खान से शादी की थी जो उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी। सुजैन और ऋतिक के दो बेटे हैं। फिलहाल सुजैन और ऋतिक तलाक लेकर अलग हो चुके हैं और इन दिनों ऋतिक सबा आजाद नाम की एक लड़की को डेट कर रहे हैं। लेकिन ऋतिक को पहली दफा किसी लड़की से मोहब्बत हुई थी उस वक्त जब वो स्कूल में थे। उस लड़की का नाम था डिंपल और वो लड़की उनसे एक क्लास सीनियर थी। हालांकि उस लड़की से ऋतिक कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाए थे।